खबर आगरा से है, जहां युवक ने सड़क पर गंदगी फैलाई तो थाना अध्यक्ष ने इस युवक को सबक सिखाया। ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के रोड पे युवक जो है वो गंदगी डाल रहा था और थाना अध्यक्ष शमशाबाद ने युवक से ही सड़क को साफ करवाया। थाना अध्यक्ष ने युवक को थाने से सख्त हिदायत देके छोड़ा और उनके द्वारा जो कदम उठाया गया है उसकी काफी तारीफ हो रही है। थाना अध्यक्ष ने जब ये देखा कि यहाँ पे सड़क पे गंदगी फैलाई जा रही है तो उसी चालक को नीचे उतारा गया, उससे सफाई करवाई गई वहां पे और सख्त हिदायत दी गई। संदीप शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बीच सड़क में ये युवक यहाँ पे जो गंदगी फैला रहा था, कूड़ा फेंक रहा था, इसे थाना अध्यक्ष ने पकड़ा। कैसे ये यहाँ पे इस काम को अंजाम दे रहा था, वो भी तब जब इसे मालूम है कि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सफाई अभियान जगह जगह चल रहे हैं, फिर बीच सड़क में कोई हादसा हुआ था या जानबूझ के फेंक रहा था? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां सरकार लगातार, सरकार से लेकर जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है, साफ सफाई को लेकर भी तमाम अभियान धरातल पर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं ये पूरा मामला आगरा के थाना संतवा क्षेत्र के आगरा रोड का है, जहां पर एक युवक द्वारा सड़क पर जो झूठन के दोने पत्थर थे उनको ट्रैक्टर ट्राली में भरकर और मेन सड़क के पास ही गंदगी फैला रहा था, तो वहीं से थाना अध्यक्ष शमशाबाद जो है राजीव कुमार, वह गश्त पर निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो उस व्यक्ति को सबक सिखाया है, तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष की ये सराहनीय कार्य है। थाना अध्यक्ष ने तत्काल उस गंदगी को वहीं पर उसी व्यक्ति से फिर से ट्रैक्टर में लोड कराया, सड़क को साफ कराया और जिसके बाद उन ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वह थाने पहुंचा। वहां पर उनको ये साफ हिदायत दी गई कि दोबारा इस तरीके की प्रक्रिया की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष शमशाबाद के उठाए गए इस कदम की लोग भी सराहना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया और संदीप जानकारी के लिए। बिल्कुल एक सराहनीय कदम है और होना भी यही चाहिए कि अगर कोई इस तरह से गंदगी फैलाई तो उसे जरूरी है कि सबक सिखाया जाए। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के रोड पे युवक गंदगी डाल रहा था, गंदगी फैला रहा था और तभी थाना अध्यक्ष ने इसे यहाँ पे पकड़ा और इसी से इस सड़क को साफ करवाया गया।